everyone, this is Shikha Srivastava from Mathematics Farm. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग class 6 chapter 7 that is fractions में try these problems solve करेंगे जो कि page number 113 पर given है. और ये मैं updated NCERT syllabus 2023 के according आप लोगों को पढ़ा रही हूँ. Question is find 5 equivalent fractions of each of the following. देखिए यहाँ पे आपको कुछ fractions given है. इन fractions के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा के. ठीक है, तो चलिए 2/3 का सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. तो 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, तो इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 4/6. दूसरा निकाल लीजिए 2/3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए ऊपर नीचे. तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 6/9. 5 निकालना है, अब 4 से मल्टीप्लाई कराइए ऊपर नीचे. 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12. देन उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए. 5 2 जा 10, 3 5 जा 15. 1 2 3 4, 4 निकाल लिए, एक और निकालना है. तो 2/3 को ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18. तो आप क्या लिखेंगे? 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/3 आर 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18. ठीक है, अब 1/5 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं. 1/5 सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना है. पहले 2 से करा दीजिए, तो 2 1 जा 2, 5 2 जा 10. अब 3 से कराइए ऊपर नीचे, तो 3 1 जा 3, 5 3 जा 15. अब 4 से मल्टीप्लाई कराइए, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20. अब 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराइए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. अब 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 6 1 जा 6, 5 6 जा 31, 2 3 4 5. 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए. तो लिख दीजिए 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/5 आर 2/10, 3/15, 4/20, 5/25, 6/30. ठीक है, अब 3/5 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते हैं. 3/5 सबसे पहले ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10. देन उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15. 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20. अब 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25. अब 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो 6 3 जा 18 एंड 6 5 जा 30. तो आ गए 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. लिख दीजिए 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 आर 6/10, 9/15, 12/20, 15/25 एंड 18/30. ठीक है, 5/9 के 5 इक्विवेलेंस फ्रैक्शन निकालने हैं. चलिए 5/9 सबसे पहले ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराइए, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18.
अब उसके बाद ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कराइए तो 5 3 15, 9 3 27। अब ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कराइए तो 5 4 20, 9 4 36। देन उसके बाद 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराइए तो 5 5 25, 9 5 45। अब ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 5 6 30 एंड 9 6 54। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ चुके हैं। तो लिख लीजिए 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 5 by 9 आर 10 by 18 कॉमा 15 upon 27 कॉमा 20 upon 36 कॉमा 25 upon 45 एंड 30 upon 54। ठीक है, यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शंस थे उनके 5 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम लोगों ने निकाल लिए हैं। दिस इज योर आंसर। ठीक है, होप स्टूडेंट्स आपके ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।